नमस्कार दोस्तों, मैंने एक अपने कैमरे माउंट के लिए एक जोबी का 3K का गोरिल्ला ट्राइपॉड मंगाया है, जो कि इसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और इस प्रोडक्ट को मैंने अमेजोन से मंगाया है। तो चलिए इसको एक बार अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इस प्रोडक्ट की क्या खासियत है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी की, इसका रिव्यू देखते हैं। चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं प्रोडक्ट की। क्वालिटी ठीक है इस प्रोडक्ट की, बाकी इस प्रोडक्ट का रिव्यू है कि फ्लेक्सिबिलिटी है, मुझे लगता है आई थिंक 5K का लेना चाहिए था, 3K का। कैमरा माउंट कर रखा है, कैमरा मैंने माउंट कर दिया इसमें। ये कैमरा का वेट है 1.5 kg, काफ़ी सही लग रहा है स्टैंड, और इस स्टैंड में 3K का स्टैंड है धोनी का। स्टैंड की क्वालिटी भी अच्छी है, कैमरा सही से माउंट हो गया है, बाकी अच्छा है, शेक भी नहीं हो रहा और कहीं से भी फ्लेक्सिबिलिटी है इसकी। और कैमरा जो कि काफ़ी ही बोझा हैवी लग रहा है, काफ़ी देर तक पकड़ा नहीं जाता है। इसका बड़ी ग्रिप भी अच्छी लग रही है, पकड़ में हाथ में इसकी ग्रिप अच्छी बन रही है, और कैमरा का काफ़ी हैवी होने के बावजूद भी अच्छा लग रहा है पकड़ में। कैमरे को बिल्कुल स्टेबल करने के लिए जो इसका बॉल हेड है काफ़ी अच्छा है, बॉल हेड है जो कि इसकी ग्रिप बनाए हुए हैं कैमरे की, अगर बॉल हेड की जो इसकी पकड़ है वो बहुत सही है, इससे कैमरा इधर उधर मुड़ नहीं पा रहा और एक जगह ही स्टैंड है, और कैमरे कहीं भी ले जाओ तो बॉल हेड अपना सही तरीके से काम करता है। काफ़ी हैवी होने के बावजूद भी बॉल हेड ठीक लग रहा है। अभी मैं आउटडोर हूँ और एक प्रोडक्ट के रिव्यू के लिए आया हूँ। ये जोबी का प्रोडक्ट है 3K गोरिल्ला ट्राइपॉड, और इसका रिव्यू करेंगे और देखते हैं इसका रिव्यू कैसा रहेगा, और आप लोगों को इसके रिव्यू के बारे में ज़रूर बताऊँगा। मैंने प्रोडक्ट माउंट करा है बेटे, और देखता हूँ इसका प्रोडक्ट का फ्लेक्सिबिलिटी क्या है और इसकी कलर कैसी है, आप लोगों को दिखाता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और गोरिल्ला ट्राइपॉड का जो रिव्यू है मैंने देखा, वो काफ़ी अच्छा है, माउंट भी और इसका स्टैंड भी काफ़ी फ्लेक्सिबल है किसी भी ट्री पे लगाने के लिए।
और मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।